सो ये एक्स्ट्रा सामान सारा ना हमारा। कौन सी कंपनी का एयर फ्रायर है, क्या है? जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई कनाडा में। वेलकम टू अनदर वीडियो जी। तूफान का अगला दिन है आज। आज आज सुबह तो ऐसे हालात थे कि लगा ही नहीं कल तूफान आया था। सड़कें एकदम साफ। हाँ। क्यों नया जी? बिल्कुल। आज ऑफिस जाने में आने में कोई परेशानी नहीं हुई। मैं नेहा को बोल रहा था वापस आते हुए, मैंने कहा रास्ता भी वही है, टाइम भी वही है, तो आज नजारा देख और कल देखती। बिल्कुल सफाई। मतलब आज ना न्यूज में इतनी ज्यादा लोगों की स्टोरियां थी जो बेचारे फंसे हुए थे, स्टक हो गए थे तूफान के चक्कर में। और सस्कैचुअन में अगर आप रहते हो ना, या फिर आप नए सस्कैचुअन में आने वाले हो, एंड यू आर गोना सी योर फर्स्ट विंटर और सेकंड विंटर, एंड यू आर नॉट अवेयर, गाड़ी में हमेशा गैस यानी पेट्रोल आधी टंकी से नीचे कभी ना हो, ये मेक श्योर करना। कल आज की आपको एक बात बताता हूँ क्या हुआ कि कल आपको पता है हमारा बहुत ही खतरनाक तूफान आया था। तूफान के बाद एक गाड़ी डिच में फंस गई, एंड उसके बाद उस गाड़ी में पेट्रोल भी सिर्फ क्वार्टर टैंक से भी नीचे था, और ठंड इतनी ज्यादा थी, हवा इतनी तेज थी कि उसकी वाइफ ने फोन करके हेल्प मांगने की कोशिश करी कि अगर वो गैस रन आउट हो गई और गाड़ी में हीट बंद हो गई तो ही वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो इसीलिए ना गाड़ी में एक्स्ट्रा जैकेट, कोई आपकी सॉक्स, ग्लव्स, एक कैंडल रख लो। एक कैंडल आपको जीवित रखेगी गाड़ी में अगर आप स्टक हो तो। सर्वाइवल किट कहते हैं, आप गूगल कर सकते हो। सर्वाइवल किट जरूर विंटर में रखो। मेन कबेलास, कनेडियन टायर, ऐसे ना होम स्पोर्ट्स, आउटडोर, वो जो ब्लैंकेट होता है ना एल्यूमिनियम फॉइल का ब्लैंकेट, वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर हीट इनसाइड योर बॉडी, यू नो। लेकिन कल तो, लेकिन इट वॉज वेरी स्केरी, वेरी वेरी स्केरी आई वुड से। कल मन्नू ने had to stay at hotel. हाँ, वो रात को वो मन्नू घर नहीं आया रात को होटल में। राकल people were stuck, people were stranded, they were just, you know, wherever they were just in their cars or like took shelter in you know, the people were very kind. कईयों ने अपना घर ऑफर करा, कईयों ने बोला कि आके यहाँ पे रह लो, कई कोई जैसे गैस स्टेशन है, कन्वीनियंस स्टोर ने बोला दरवाजे खोल देते हैं, चर्च ने, लाइक देर आर सो मेनी प्लेसेज दैट ओपन डोर्स फॉर yesterday's night's stay. और ना कभी तूफान आए ना तो एक चीज और बड़ी जरूरी है, अगर आप ना जब आपने सुबह ऑफिस जाना हो तो एक हाईवे हॉटलाइन करके चीज होती है, इट्स अ वेबसाइट जहाँ पे प्रोविंशियल हाईवेज की, सस्कैचवन के हाईवे की सारी रिपोर्ट होती है। वो हाईवे पूरा रेड था कल। हाँ। मैंने उसकी स्क्रीनशॉट लिया, आई ट्राई टू पुट इट इन हियर। वो पूरा रेड था, तो हम मैं सुबह उठा, सुबह उठते सार मैंने ये भी दिखाई थी। हाँ। तो आज सुबह उठते सार मैंने सुबह सबसे पहले हाईवे हॉटलाइन चेक करा और उस पे हाईवे वो रेड जो था पूरा मार्ग, सारे हाईवे इन एंड अराउंड सास्कटून वो हट गए, तब मेरे को पता चला कि आज जा सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है रेडियो। सर्दी के टाइम में मैंने कई बार ये बोला है, रेडियो 650 CKOM है, AM रेडियो जरूर सुनो। उसमें आपको बताते हैं कौन सी रोड बंद है, कहाँ पे आप मत जाओ, रेडियो थोड़ी देर के लिए जरूर सुनो। एंड अब रोटी का टाइम है, भूख बड़ी तेज लग रही है, रुका नहीं जा रहा। तो ये देखो जी आज बना है सांभर इडली डोसा। डोसे के आलू मैं सेपरेट खाना पसंद करता हूँ, बहुत स्वाद लगता है। चटनी आई कुडंट मेक, कोकोनट चटनी में थक गई थी। सो दैट्स ओके, मैंने इसको मना करा था, मैंने कहा था वैसे भी मेरी फेवरेट है, जस्ट की इतनी नहीं है। मैंने मना करा था, मैंने कहा ना मेहनत कर, सिर्फ करते हैं डोसा, हाँ सिर्फ इडली सांभर खा लेंगे मैंने कहा, लेकिन नेहा जी मानी नहीं। थैंक यू सो मच। आइए देखो इडली सांभर खा रही है। तीन हफ्ते भी नहीं हुए होंगे हम टैमरिंड होके आए थे जहाँ हमने डोसा खाया था। हाँ। बट वो ना इतनी क्रेविंग होती है ना साउथ इंडियन फूड की, हम मुझे तो वो देखो ये सांबर देख के अब बेचारा टैमरिंड डाला सोचेगा इनको तो मेरा सांबर तो कम लगना ही है कोहली को। ये देखो भाई साहब अभी हम रिफिल करेंगे इसमें इडली। पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ दिस और नॉट, एक ना छोटी छोटी बटन इडली आती है इडली की, तो इडली तो ये ना नॉर्मल साइज है, तो इडली की ना छोटी छोटी एकदम आती है वो। अगर आप जाओगे ना साउथ साइड पे तो वो आपको क्या करते हैं, अलग से सांबर देंगे और इडली देंगे, उसके बाद आप डालोगे उसके ऊपर से सांबर डालेंगे वो, और फिर जितनी मर्जी बार रिफिल कराओ। जैसे यहाँ पे आई डोंट नो इफ यू गाइस आर अवेयर ऑर नॉट, बट सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती है जितनी मर्जी बार रिफिल करो, कॉफी जितनी मर्जी बार रिफिल करो, वैसे वहां पे साउथ में होता है कि जितनी मर्जी बार सांबर इडली और सांबर एंड चटनी रिफिल करवा लो, तो इसलिए हमें वही आदत है। चलें जी अब सफर। It is a clear, bitterly cold morning. Our wind chill right now -47 and the temperature -34 degrees here in Saskatoon.
गुड मॉर्निंग जी, सुन लिया आपने वेदर? -47 विंड चिल, इट इज क्रेजी, बहुत ठंड है आज। अभी रेडी हो रहे हैं, पाक पुक हो गई है, बस कपड़े पाइए तो चलिए। हैप्पी फ्राइडे। आज फ्राइडे खास इसलिए है क्योंकि आज आइया मैं जिम जा रहा हूँ एंड आई एम चेंजिंग टेबल्स। ओके, और आज ना मैं कल ऑफिस जा रहा हूँ, नेहा वर्क फ्रॉम होम है, तो नेहा तो आज ऑलरेडी जो है ना वीकेंड मोड में आ गई है। हम लोग को काम, आपको पता है मैनेजमेंट मैनेजमेंट की बात और होती है, और हम मुलाजिम हमें तो जाना पड़ता है काम पे, सो जाएंगे, कोई गल नहीं, शुक्र है भाई। एकदम आज आई है, लंच भी क्या लेके जा रही है, पास्ता। इतना खुश होती है देखो पास्ता खा के। चले जी, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग सब? मेरी तो आज है वर्क फ्रॉम होम, इट्स अ फ्राइडे सो आई ऑप्टेड फॉर वर्क फ्रॉम होम। मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ढीली है, सो वी सेड कि आप रेस्ट कर लो एंड यू नो आई हैव द ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम होम, तो क्यों ना करें घर से काम, एंड इससे उनको भी यू नो आराम मिल जाएगा एंड मैं आर्या को पिक एंड ड्रॉप कर लूँगी एंड आई कैन वर्क एंड आई एम सो हैप्पी टू वर्क फ्रॉम होम ऑलवेज। एंड यू नो कोई पैजर नहीं मचती, कुछ नहीं होता कि जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। ये मेरा सारा सेटअप है, रात को ही मैंने सेट कर दिया था। आर्या अपना ब्रेकफास्ट कर रही है एंड देन आई ड्रॉप हर ऑफ थोड़ी देर में। आर्या का पास्ता रेडी है भाई, ये देखो आर्या का पास्ता इज रेडी। जस जी तो चले गए, आपको पता ही है। ये बच्ची ना मेरे को काम नहीं करने देती, बार बार आ जाती है, बार बार आ जाती है। ठीक है, मम्मा इज वर्किंग फ्रॉम होम, मम्मा स्टिल हैज वर्क, ठीक है, तंग ना करो मम्मा को। बार बार मैंने मम्मा कितने बजे जाना, मम्मा दूध पी लिया, मम्मा नाश्ता हो गया, मम्मा क्या कर रहे हो आप? चलो आज तो यही चलेगा, अभी वन मोर आवर टू गो है लड्डो का, फिर आई विल वर्क सुकून से। हम चल पड़े हैं आइया को छोड़ने। ये देखो आ गई है लड्डो ऑलरेडी, आइए बैग ले लो अपना, ऑफ टू स्कूल। सोना सोना सनराइज भी देख लो आप, सन की शेप दिख रही थी और सारा कलर्स हुए थे। अच्छा वो देखो व्हाइट कलर ही है ना, वाओ, ये देखो गाइस। I'm gonna let the sun shine in the day. I'm trying to make this darkness go away. आर्या को छोड़ आई हूँ, इतनी ज्यादा ठंड है, ओ माय गॉड, हाथ फ्रीज हो गए हैं और नाक सुन्न हो गए, आईलिड्स आंखों की वो हो गई हैं, बिल्कुल नम। काम करें चल के। तो जी आर्या आ गई है घर एंड चिड़िया बस बोली जा रही है, बोली जा रही है, बोली जा रही है। ये देखो, ये देखो, गर्मी थोड़ी ना, इतनी ठंड है बात। चप 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 बोली जाती है, बोली जाती है, स्कूल के बारे में सब कुछ बताना है, हैं? एक मिनट भी चुप नहीं होना, हैं? और आज आइया ने लंच भी पूरा कंप्लीट किया, विच इज एन ऑसम थिंग। पास्ता आइया का वैसी फेवरेट है। ये रोल जी आइया का है पॉमी प्लस पाइनएप्पल प्लस मेलन, तो आइया अपना फ्रूट खा रही है। मेरा भी काम चल रहा है, साथ में गई थी आइया को स्कूल से पिक करने, ले आई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। चलो जी लास्ट वन आवर है, आई शुड डू माई वर्क, फिर जस भी आ जाएगा। हेलो जी, फ्राइडे खत्म हो गया है, नेहा जी ने तो एंजॉय करा, घर पे रही हैं। मैं ऑफिस से निकल के ना, पीछे मेरे आप देख रहे होंगे, पता नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा शायद, शॉपर ड्रग मार्ट है वो, निकलते हुए रास्ते में पड़ता है। आज बच्ची की फरमाइश थी कि बर्गर खाना है घर पे बना के, आलू टिक्की वाला, सो डैडा वो लेके आना। सो भाई मेरी राजी की फरमाइश है, तो मैंने कहा ठीक है। नेहा कह रही थी कि मैं सब्जी कोई बना लूंगी घर, आज मैं कर ही हाँ, मैं कह ना आज बच्ची ने बोला टिक्की बर्गर खाना है, सो टिक्की बर्गर ही खाएंगे। और मैं अब कहती बर्गर नहीं है, तो मैं कह डैडा ले आएंगे। आज स्नोफॉल होनी थी थोड़ी, लेकिन नहीं हुई, शायद शाम को रात को हो जाए। अभी हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी कहते हैं ना फ्लरीज हो रही हैं, एंड पिछले स्टॉर्म वाले वीडियो में वी गॉट लिटल इमोशनल एंड कभी हमने बोल दिया वी आर स्टक हेयर। कई लोग उस चक्कर में जो प्यार करते हैं वो कहते हैं कि हम तो आपको देख के अपना आइडल समझते हैं कि आप वहां रहते हो, और आप अगर बोलोगे वी आर स्टक तो हमारा जो है मोरल डाउन हो जाता है। सो मैं ऐसा
ऐसा होता है जी, फ्रस्ट्रेशन में ना कभी कभी ऐसा निकलता है। सो अगर आपको आपका मोरल डाउन हुआ है हमारा ये बोलने से, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ और इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ कि हमने ऐसा क्यों बोला। सो जो है, नहीं जा रहे हम कहीं से सैस्कैडून, हमारा कर्म भूमि है, हमें सैस्कैडून ने सब कुछ दिया है और सब कुछ यही है, हमने क्यों कहाँ जाना है जी। बट वो कभी कभी ना फ्रस्ट्रेशन इतनी होती है, जिस दिन एक्चुअली स्ट्रॉन्ग वाला जो दिन था ना, इट वॉज वेरी स्केरी। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं जी सद के आओ, असी इतने ही हाँ, असी कितने नहीं चलने। महंगाई बहुत बढ़ गई कनाडा में, मैंने इतनी महंगाई नहीं देखी थी। हमें 12 को साल होने वाले हैं यहाँ रहते, एंड जो गैस का प्राइजेस हैं, पेट्रोल जिसको गैस कहते हैं यहाँ पे, वो बहुत ऊपर है, आसमान छू रहे हैं। $1.47 गैस का पर लीटर मैंने कभी नहीं देखा था, इट इज क्रेजी। ओवरऑल कनाडा में नेशनल एवरेज गैस प्राइस है $1.52 और हमारी है यहाँ पे $1.48 कॉस्को 6 सेंट सस्ती बेचता है। एंड उसके बाद एक और चीज है जिसका मैं हमेशा एग्जांपल भी देता था कि यहाँ कभी नहीं बढ़ता, वो है दूध, मिल्क। यहाँ पे मैंने पिछले 12 साल में दूध का एक ही रेट देखा था, विच इज $4.47, $4.49, $4.50, $4.40 से $4.50 के बीच में। लेकिन अब वो दूध का जो दाम है ना, वो भी बढ़ के $5.29, $5.40 ऐसे होने लग गया। So, मैंने कभी नहीं देखा था। तो ये कहते हैं ना, महंगाई बड़ी बढ़ रही है। ये आराम से घर में फायर प्लेस चला के, ये देखो जी, ये आराम से बैठे हुए हैं, बाहर ठंड बहुत है, हम अपना चक्कर काट आए हैं आज वर्क फ्रॉम होम के मजे लेके। बहुत अच्छा लगा है सच में, इट वाज रियली गुड ऑन अ गुड कोल्ड डे, इट्स अ ग्रेट बेनिफिट इफ यू हैव। मैं आइया के लिए कुछ नहीं लाया, वो टिक्की बर्गर तो मिला नहीं, नहीं बन रहा बर्गर। तो ये देखो थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ी हुई है, क्लीन करने वाली, कल करेंगे अब, मैं तो आज नहीं कर रहा, कल वीकेंड है, बहुत ज्यादा ठंड भी है आज, ठंड है कल, थोड़ा सा अच्छा टेम्परेचर है कल, वेरी गुड। ये तो आपने मन्ने की फोटो बना दी है, गाय तो नहीं है मन्ने, नहीं मैं तो बंदर की तरफ देख के कह रहा था, बताएगा तेरे को। जैसे कृष्ण भगवान करते थे ना गोपियों के साथ, जब वो नहाने जाती थी तो कपड़े उठा लेते थे, इसने वैसा मेरे साथ अभी करा है। मैं गया हूँ बाथरूम में मुंह धोने, वापस आया हूँ, मेरे कपड़े गायब। इसने मेरी शर्ट और मेरा सरोपा उठा के ना उथे कोने में फेंक दिया वहां, और मैं ढूंढी जा रहा हूँ इधर, मेरे को कुछ वैसे नहीं दिखता, मेरे को वैसे नहीं समझ आती कुछ की चीज कहाँ है, और ये इसने मेरे साथ ऐसा करा है। टैग योर इट, वो खुशबू आ रही है यार, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है टिक्की की यार। एयर फ्रायर में हमने काफी कुछ बनाया, कौन सी कंपनी का एयर फ्रायर है, क्या है, सब आपको नेहा जी बताएंगे। शेफ मैन का है, और कितने का है और कहाँ से लिया है? $40 और लंदन ट्रक से लिया है हमने, अभी तक लाइक द रिजल्ट इज सो गुड, पिज्जा विज्जा सब कुछ बना लेते हैं हम इसमें। ये वेजिटेबल्स मैरिनेट हो रही है, उधर चिकन मैरिनेट हुआ हुआ है, उधर रसमलाई भी निकली हुई है आज तो नो डाइटिंग ड्यूटिंग, जस्ट ब्लैक वेजिटेबल, नो डाइटिंग। क्या करते नीचे जा रहे हैं गोडाउन में अपना सामान चिप्स चुप लेने, वीकेंड थोड़ा सेलिब्रेट करें। आइया ऑलरेडी नीचे पहुंच गई है, कह रही है हुली गुली का पैकेट शी कैन रीच। ओ भाई साहब, नेहा जी ने तो लॉन्ड्री भी स्टार्ट कर दी है। तो ये वाला नहीं, ये ऊपर पड़ा हुआ एक, ये होते हैं कॉर्न, ये होते हैं पॉपकॉर्न वाले ना, ये बहुत स्वादिष्ट को ना, इंडिया में हम 1 रुपए का 2 रुपए का पैकेट आता था, हुल्ली गुल्ली बोलते थे, तो ये यहाँ पे ट्विस्ट होते हैं पॉपकॉर्न ट्विस्ट, ये मेरे को बड़े स्वाद लगते हैं। कितनी है कैलोरी? 300 कैलोरीज इन इसमें, 4 कप्स में, 4 कप्स खाओ तो 300 कैलोरीज है। सो हम 4 कप्स नहीं खाएंगे ना, हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना। सो ये एक्स्ट्रा सामान सारा ना हमारा, ये कॉर्नर है जो हम यहाँ पे रहता है ये, चलो चले ऊपर। ये देखो जी, ये होते हैं हुली गुल्ली का पैकेट, और साथ में वो जो कंचे वाली बोतल, क्या बोलते थे, बंटे की बोतल पी के अपने आप को हमने ऐसा कूल समझना होता था उस टाइम।
अब मेरे को भी दे दे थोड़े से। मम्मा को टेंशन हो जाती है जब भी ऐसा कुछ खाना शुरू करते हैं कि बच्चा रोटी कैसे खाएगा। ये देख लो जी, टिक्कियां निकाल ली हैं नेहा जी ने फर्स्ट क्लास। पैटियों का हाल देखो भाई साहब, कितनी स्नो पड़ी हुई है। फिर से करेंगे कल साफ, परसों करेंगे, संडे को। संडे को हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर है। तो नेहा नेहा कह रही है टाइम वेस्ट है क्योंकि तुम करोगे और फिर से पड़ जानी है। ये देखो चटनी वटनी लग रही है भैया, रेडी वाले बर्गर बन रहे हैं, रेडी वाले। सपर रेडी हो गया है जी और हम टेबल पे आ गए हैं। देख लो मेरे दो बर्गर हैं। नेहा जी एक ही खाती हैं, आपको पता है, थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हैं। और आया भी खा रही है। एंड हमारी अभी मैरिनेटेड वेजिटेबल्स ओवन में पड़ी हुई हैं। वो ओवन चल रहा है बड़े वाला, बाहर बारबेक्यू नहीं करा क्योंकि स्नोफॉल हो रही है। तो फटाफट अब खा ले। रोटी खा के उठ गए हैं। और आपने ना साफ घर तो बहुत बार देखा होगा, आज थोड़ा गंदा भी देख लो। ये देखो गंदा घर, ये देखो हालत, ये सारे चिप्स टुप सब यहीं पड़े हैं। अभी वीकेंड माहौल था, बैठे रहे टीवी देखते रहे एक घंटा बैठ के। और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ कर देना, कमेंट को मूड कर देना। Stay rock, stay bubble, stay mama, stay dada, stay area. Bye. Thank you for watching. Bye. Bye. As a young girl, it feels warm.